बेशकीमती वक्फ जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। आपको बता दें उन्नाव शहर में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वक्फ संपत्तियों को भी बचा पाना मुश्किल होता जा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया गया, लेकिन पुलिस के जाते ही उन दबंगों ने फिर से निर्माण चालू करा दिया है। मामला जनपद उन्नाव शहर के सिविल लाइन्स मध्य में स्थित हबीब खेड़ा का है, जहाँ नासिर अहमद खान की कई बार दी गई शिकायती पत्रों के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासन की नाक के नीचे वक्फ आराजी पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण खुलेआम किया जा रहा है, जिसमें वक्फ भूमि का बड़ा भाग इन भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा चुका है। मोहम्मद शाकिर है। क्या मामला है? मामला ये है, वक्फ प्रॉपर्टी है, सरकारी जमीन है, इसके हम मुतवल्ली हैं और इसका निर्माण अवैध तरह से कराया जा रहा है। लोग उसमें दबंग लोग हैं जो वहाँ निर्माण करा रहे हैं। इरशादुल्लाह अशरफुल्लाह। जमीन कहाँ की है? जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ में दर्ज। ये सिविल लाइन हबीब खेड़ा में है, उसमें अवैध निर्माण कराया। मैंने कितनी अप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। SDM के यहाँ भी गए, DM साहब के यहाँ भी जा चुकी है, अभी उसका कोई निर्णय नहीं निकला है। और जो दबंग लोग हैं वो कब्जे पे कब्जा करते चले जा रहे हैं और निर्माण पे निर्माण करते चले जा रहे हैं। जी निर्माण क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो कुछ भी करना है कर लो, मैं बनवा के रहूँगा। जो पुलिस से आपने कोई मदद ली? पुलिस से मैंने 112 पे डायल किया, मौके पर पुलिस पहुँच गई, काम रुकवा दिया है। मगर वो फिर ये कह रहे हैं मैं दोबारा फिर बनवाऊँगा। देखें कौन जी, पहले भी कई बार रुकवाया जा चुका है, बहुत बार रुकवाया जा चुका है, फिर ये धीरे धीरे काम शुरू कर देते हैं। अब हम कहाँ तक वहाँ इसकी देखभाल कर पाएँ, कहाँ तक वहाँ खड़े रहें? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिस यथास्थिति बनाई रहे, जो हमें कानून चल रहा है उसी कानून पे आधार पे रहें, ये अवैध निर्माण ना करें।